नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मस्जिद के लाउडस्पीकर जल्द से जल्द हटाए, मनसे ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर की मांग। नागपुर में स्टैंडबाजी चरम पर, कार से स्टैंडबाजी का एक और वीडियो आया सामने, सदर पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। और लकड़गंज परिसर में आरा मशीन को लगी भीषण आग, 6 आरा मशीन जलकर हुई खाक, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 9 गाड़ियां। अब खबरें विस्तार से। मनसे नागपुर शहर के पदाधिकारियों ने 7 अप्रैल को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मुलाकात की और मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने के संबंध में एक निवेदन दिया और इन लाउडस्पीकर को जल्द से जल्द हटवाने की मांग भी की। इन दिनों शादियां हो या फिर जन्मदिन, सबको लाउडस्पीकर लगाकर बड़ी आवाज के साथ ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जैसे आदत हो चुकी है। जैसे मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से भी बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। गुड़ी पड़वा बैठक में राज ठाकरे ने मनसे सैनिकों को मस्जिद के लाउडस्पीकर के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्देश दिया था। अब इस मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने के लिए मनसे पदाधिकारियों ने निवेदन दिया है, जिसे पुलिस आयुक्त ने सकारात्मक प्रतिसाद देने की बात हेमंत गडकरी ने बताई। इस मामले में जल्द से जल्द मस्जिद के लाउडस्पीकर हटवाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को निवेदन दिया है। आता आम्ही पोलीस आयुक्त साहेबांना निवेदन जे दिलेलं आहे त्यामध्ये आम्ही नमूद केलेलं आहे की जे हायकोर्टाचे आदेश आहे की मशिदीवर जे अनधिकृत भोंगे लागलेले आहेत ज्याचा असंख्य लोकांना त्रास होत असतो ते काढण्यात यावे। माननीय राज ठाकरे साहेबांनी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यामध्ये तसे निर्देशच आमच्या महाराष्ट्र सैनिकांना दिलेले आहेत आणि त्यानुसार कायद्याचं पालन करावं, कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करावं आणि कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आज आम्ही नागपूर नगरीचे आयुक्त अमितेश साहेबांकडे आलो। जर त्यांनी काही कारवाई केली नाही तर आपण काही मुंबईच्या प्रमाणेच आरत्या महाआरत्या किंवा हनुमान चालीसा संदर्भात काही करणार? हनुमान चालीसाचं पठन करणं हे तर आमचं कर्तव्य आहे। भोंगे लावून करणार आहात? हो, गर्दी आमच्या कार्यक्रमाला गर्दी असतेच, त्याच्यामुळे भोंगे लावूनच करू। मशिदीसमोर करणार? मशिदीसमोर, आमच्या हनुमान मंदिराच्या समोर करू। समोर मशीद असेल तर त्याचा त्यांनी विचार करावा। याच्यामुळे धार्मिक वातावरण जे नाही, आम्हाला काही धार्मिक वातावरण किंवा तेढ निर्माण करायची नाही आहे। आम्ही नेहमी शहरामध्ये अत्यंत शांततेतच जनहितार्थ आवाज बुलंद केलेला आहे, त्याच्यामुळे आम्ही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करावं एवढंच म्हणतो आहे। जिथे अनधिकृत गोष्ट आहे, मग ती कुठलीही असो, त्याला हात घातलाच पाहिजे। की अधिकृत होण्यासाठी त्यांनी काय करायचं त्यांचा प्रश्न आहे, अनधिकृत गोष्टीवर आवर आलाच पाहिजे आणि हायकोर्टाचे जे निर्देश आहे त्याचं पालन तंतोतंत झालंच पाहिजे। सी पी साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की नक्कीच या गोष्टीसाठी आम्ही पूर्ण हे करतो, प्रयत्न करतो। असामाजिक तत्वों ने कार में स्टंट दिखाकर हंगामा मचाया, यह वारदात सदर की छावनी परिसर में हुई। 5 दिन बाद बुधवार को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सदर पुलिस हरकत में आई। कामठी मार्ग में इलाइट ऑटो केयर लॉन है, इस गैरेज में मरम्मत के लिए आए ग्राहकों की लग्जरी कारों का स्टंट में इस्तेमाल किया गया। लग्जरी कार में सवार होकर 5 युवकों का समूह छावनी मार्ग पर पहुंचा। एक युवक रूफ टॉप पर खड़ा हो गया जबकि अन्य साथी कार में सवार हो गए। इसके बाद मार्ग पर कार में स्टंट दिखाने लगे, यह देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। आरोपियों का स्टंट का वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। भाई चारा इतना कमा रखा मेरे भाई, तेरे जैसे की तो फोन फोन पर। बुधवार को स्टंट का वीडियो वायरल हो गया जिसके बाद आला अधिकारी हरकत में आए, सदर पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। उसे जांच करने पर ऑडी कार क्रमांक MH12 GW 0100 को मुशीर अभिषेक 30 वर्षीय
भालदारपुरा स्कॉर्पियो क्रमांक MH40AC8591 को विपिन वेणुगोपाल नायर 23 वर्षीय गोदनी वॉक्स वैगन क्रमांक MH31EA2786 को मेलविन मंशीराम वर्ठी 22 वर्षीय आदिवासी नगर बैरामजी टाउन टाटा सफारी क्रमांक MH40BJ3036 को असलान बेग 21 वर्षीय टीपू सुल्तान चौक यशोधरा रेनॉल्ट क्रमांक MH43AT9864 को हसन बशीर शेख 22 वर्षीय अचरक टावर छावनी तथा इमरान असगर अंसारी 26 वर्षीय छावनी द्वारा चलाए जाने का पता चला था, जिसके बाद सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ स्टंटबाजी हुड़दंग मचाने लोगों की जान को जोखिम में डालने तथा मोटर वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि इन हुड़दंग मचाने वाले आरोपियों के साथ एक रेत माफिया और उसका साथी भी शामिल था। मामला थाने पहुंचते ही एक सत्ताधारी पार्टी का नेता सक्रिय हो गया। वह रेत माफिया को बचाने में जुट गया, लेकिन पुलिस के सामने उसकी दाल नहीं गल पाई। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। बीते सप्ताह ही बजरंगनगर थाना परिसर में कुख्यात अश्विन तुर्केल ने अपने साथियों के साथ शराब पीते हुए स्टंट दिखाकर हंगामा मचाया था। इसका भी वीडियो वायरल होने के बाद शहर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दुपारी एक वायरल वीडियो माझ्याकडे आला होता, त्याच्यामध्ये एक 2-3 गाड्यांवरती काही तरुण मुलं बनेटवरती बसून एक स्टंट करताना दिसली। त्यानंतर आम्ही सदर पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधला, COCशी संपर्क साधून 5 गाड्यांचे नंबर घेतले, त्यावरनं गाड्या आयडेंटिफाय झाल्या। गाड्या आयडेंटिफाय झाल्यानंतर त्याच्यातनं लोक आयडेंटिफाय झाले। संध्याकाळपर्यंत आमच्या ताब्यामध्ये 5 पैकी 3 गाड्या होत्या, 2 गाड्या आता एक थोड्याच वेळात ताब्यामध्ये आमच्या येत आहेत, आणि 7 जण जे आहेत ते 7 जणांपैकी 6 जणांना आम्ही सूचनापत्र देऊन नंतर सोडलेलं आहे। त्यांच्यामध्ये IPCच्या अंडर आम्ही गुन्हे दाखल केलेले आहेत। हा प्रकार चौकशी केली असता 1 तारखेच्या पहाटेचा 1 वाजताचा आहे। छावनी सदर रोडवरचा हा प्रकार आहे। हे ऑटोमोटिव्ह चौकाच्या जवळपास एक गॅरेज आहे गाड्या दुरुस्तीचं आणि नवीन गाड्यांच्या विक्रीचं। त्याच्यामधील ह्या गाड्या त्याचा मालक याच्या संगनमताने यांनी बाहेर काढल्या होत्या आणि त्यांचे जॉय राईड प्लस स्टंट असा हा प्रकार झालेला आहे। मालकावरतीसुद्धा आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि उर्वरित गाड्यासुद्धा आम्ही ताब्यात 2 गाड्या आहेत त्या घेत आहोत। त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या मोटर व्हेकल ॲक्टखाली ज्या कारवाया होतात, ब्लॅक फिल्मची असेल, मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर प्लेट असेल, त्या कारवाया आम्ही आज पूर्ण करून घेत आहोत, दंडात्मक कारवाई सुद्धा। नागपुर शहर के लकड़गंज परिसर में स्थित टिम्बर मार्केट में गुरुवार की सुबह अचानक आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि उसने अपने चपेट में कई लकड़ी और आरा मशीनों को ले लिया। जैसे ही इस आग की जानकारी स्थानिकों को मिली, वैसे ही उन्होंने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी और तत्काल दमकल विभाग घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। इस दरमियान घटनास्थल पर दमकल विभाग की 9 गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग क्यों लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ। इस वक्त करीब 6 आरा मशीनों और बड़ी संख्या में लकड़ियां जलकर राख हो गई। करीमती ये रही कि कोई भी जीवित हानि नहीं हुई। वही गर्मी की वजह से ये आग बढ़ने की जानकारी सामने आई है। आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट नाही आहे, पण एकूण 6 आरा मशीन अफेक्टेड आहे, 9 गाड्या स्पॉटवर आहेत आणि नियंत्रण मिळवण्याचं काम सुरू आहे। आगीचं जे पसरण्याचा वेग होता तो आपण नियंत्रणात आणलेला आहे, पण ऑलरेडी ज्या अफेक्टेड आहे त्यांच्यावर आता आपण पूर्ण कूलिंग डाऊनचं काम सुरू आहे। तर 6 आरा मशीन आहे आणि एकंदरीत त्यांच्या लाकडांची काय किंमत होती त्याच्यामुळे आपल्याला पैशांमध्ये त्याचा अंदाज आताच सांगता येणार नाही, आणि उन्हाळा असल्यामुळे आगीला पसरण्यासाठी म्हणजे पोषक वातावरण असतं आणि नेहमी आपल्याला या सीझनमध्ये नागपूरमध्ये आरा मशीनच्या आगी ह्या आढळतात। आपले पूर्ण आरा मशीन्सच्या भोवताला आपल्या वॉटर स्प्रेचे कार्य सुरू आहे आणि कूलिंग डाऊन सुरू आहे आणि तो पसरू नये म्हणून चारही बाजूनी आपल्या जवानांनी या साईटला वेढलेला आहे। एकूण 9 गाड्या आलेल्या आहेत आणि आपल्याला पाणी भरण्यासाठी पण लकडगंजचं जी टँक आहे तिथून एकदम कमी वेळात गाड्या पाणी भरून येत आहेत, त्यामुळे आगीवर नियंत्रण आपल्याला मिळवण्यात थोडंसं सोपी जात आहे। ओबीसी आरक्षण के फंसे हुए पेज के कारण मनपा चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है। ओबीसी आरक्षण को जायज ठहराने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त समिति ने राज्य की मनपाओं से उनकी स्थापना से लेकर अब तक के पार्षदों के आंकड़े आरक्षण सहित मांगे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने की बात मनपा के आला अधिकारियों से पता चली है। मनपा में 1960 से लेकर 1992 के बीच 6 चुनाव में कोई आरक्षण नहीं था। इससे संबंधित काल के 6 चुनाव में चुनकर आए पार्षदों के नाम, पता, वार्ड, जाति, आर्थिक स्थिति की जानकारी मांगी जा रही है। इसके लिए मनपा ने 6 दस्तों का गठन किया है। गत कई दिनों से संबंधित टीम पूर्व पार्षदों के घर जाकर डाटा जुटा रही है। इस मसले पर मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया
कि ओबीसी समाज के पूर्व पार्षदों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का ब्यौरा इकट्ठा कर यह डाटा पेश किया जाएगा ताकि मनपा चुनाव ओबीसी आरक्षण आधार पर हो सके। सूत्रों के अनुसार 7 अप्रैल अलग अलग टीमों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। मनपा के पास इस संदर्भ में कोई अधिकृत डाटा नहीं होने से उसे पूर्व पार्षदों के पास से जुटाया जा रहा है। करीब 300 पूर्व पार्षदों का डाटा इकट्ठा किए जाने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ओबीसी आरक्षण के लिए पूर्व के मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। यह समिति ओबीसी समाज की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगी, लेकिन समिति ने जो जानकारियां मांगी है उससे अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। संजय राउत पर हुई ईडी कार्रवाई पर बात करते हुए भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि खुद पर अगर कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी या अन्य लोगों को दोषी ठहराया जाए। अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो उसका कोई उद्देश्य होगा। किसी की सरकार होने का और ईडी की कार्रवाई करने का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा स्पष्ट मत विधायक बावनकुए ने व्यक्त किया। क्या पद्धति में ईडी कार्रवाई करता है, ईडी जो नियम आहे आणि ईडीचे जे त्या ठिकाणी संपूर्ण कायद्याची जर रूपरेषा बघितली, कुणाची सरकार असो ईडी ही ईडीच्या नियमाप्रमाणे कारवाई करतं आणि हा देशाचा कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळात पारित झाला, त्यामध्ये काय काय कुठल्या कुठल्या नियमांनी कारवाई केली पाहिजे हे सर्व अधोरेखित केलं आहे। त्यामुळे आता ज्याच्यावर कारवाई झाली तो हेच म्हणणारच आहे की माझ्यावर चुकीची कारवाई झाली, माझं असं नाही, माझं तसं नाही आहे। जर चुकीचं असेल तर न्यायालयात जा ना, न्यायालयातून तुम्हाला ते त्या ठिकाणी सोडवता येतील ना न्यायालयातून। आणि त्यामुळं मला वाटतं आपल्यावर कारवाई झाली म्हणून मोदीजींना आणि बाकी लोकांना त्या ठिकाणी दोषी धरणे काही योग्य नाही। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा के तहत पूर्व सैनिक बबन भोसले ने केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप लगाया था और सवाल किया था कि INS विक्रांत को बचाने के लिए जो पैसे जमा किए गए थे वे कहां गए। संजय राउत ने किरीट सोमैया पर हमला बोलते हुए कहा था INS विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे जमा किए थे। पैसे राजभवन में जमा होने थे और किरीट सोमैया ने तब राजभवन में पैसा जमा करने की बात की थी, लेकिन जब राजभवन से जानकारी मांगी तो ऐसे किसी पैसे की जानकारी नहीं मिली। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि ये 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया ने जमा किए हुए पैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की, जिसके बाद बुधवार देर रात किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में ट्रॉम्बे मानखुर गांव में रहने वाला फिरियादी बबन विभराव भोसले, इन्होंने किरीट सोमैया और उनके बेटा नील सोमैया इनके खिलाफ उन्होंने INS शिकरा ये जो INS विक्रांत ये जो जहाज है उसकी डाक डूजी करने के लिए लोगों से विश्वास संपादन करके 57 अंदाजे और उससे ज़्यादा रकम रुपए लोगों के पास से जमा की। इसके लिए आज ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 406, 420 और 34 अन्वय गुना दाखिल किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच ट्रॉम्बे पुलिस कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। खबरों के इस सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। किरण सोमैया के बारे में बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सेवा विक्रांत इस नाम से पैसा इकट्ठा किया और राज्यपाल को सौंप दिया गया, लेकिन राजभवन का कहना है कि कोई पैसा नहीं मिला। यह जनता के पैसों की लूट है और यह सब रिकॉर्ड में है। हम ऐसे काम नहीं करते जो रिकॉर्ड काम नहीं किए जाते। वही आगे बात करते हुए वे बोले कि उन लोगों पर ही कार्रवाई होती है जो गलत काम करते हैं। बघा, आपल्याला माहीत असेल की विक्रांत जहाजाला सेव विक्रांत अशा पद्धतीचे पैसे गोळा केलेले होते, माननीय राज्यपाल मोदींच्याकडे जमा केलेले आहेत असं त्यांनी सांगितलेलं होतं। राज्यपाल मोदींच्याकडून माहिती जेव्हा घेतली गेली, त्या माहितीच्या अधिकारामध्ये सांगितलं की राज्यपाल भवनामध्ये अशा पद्धतीचे कुठलेही पैसे गोळा केलेले गेले नाही। जनतेकडून पैसे गोळा करणं, त्याची लूट करणं, या पद्धतीची जी काही मानसिकता असेल आणि ते रेकॉर्डवर आहे, त्याच्यामुळे विदाऊट रेकॉर्डवर काही करत नाहीतर मग त्यांच्यासारखं आम्हालाही महाराष्ट्रामध्ये करता आलं असतं। आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीचा विध्वंस निर्माण करायचा नाही, महाराष्ट्र पुढं न्यायचं आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेची गरज आणि महाराष्ट्राच्या विकासाकडे लक्ष देऊन महाराष्ट्राचं महाविकास आघाडी सरकार काम करते आहे, त्याच्यामुळे या पद्धतीने नाही। जो कोणी चुकी करत असेल त्याच्यावर कारवाई केली तर ती काही बदला नाही, ही वास्तविकता आहे। शराब पीने के लिए मना करने पर जान से मारने का प्रयास करने का मामला प्रतापनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। बोटा हाउस रेस्टोरेंट के पास हुई इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वही आगे की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को फिरियादी राघव शंकर लाल ये अपने दोस्त चेतन रविशंकर चंद्रकर के साथ बोटा हाउस रेस्टोरेंट भांगे विहार त्रिमूर्ति नगर यहाँ काम कर रहा था, जिस दरमियान एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, तब चेतन को लगा कि वो वहाँ शराब पी रहा है। इसके चलते उसने व्यक्ति को वहाँ से जाने के लिए मना किया, लेकिन व्यक्ति वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था और उस वजह से चेतन ने फटकार लगाते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। इसका गुस्सा अपने मन में लिए उक्त व्यक्ति वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को अपने 4 से 5 साथियों के साथ वह फिर एक बार आया और चेतन के गले पर चाकू से वार किया। वही फिरियादी और उसके मित्र कार्तिक को लोहे के पाइप से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पोलीस स्टेशनला एक फोन आला की भांगे लॉन या ठिकाणी काही इसम एका व्यक्तीला मारहाण करत आहेत। आम्ही तत्काळ त्या ठिकाणी स्टाफसह पोहोचलो। त्या ठिकाणी गेलो असता भांगे लॉनच्या ब्रोका कॅफे शॉपमध्ये एक मुलगा रक्तस्थळावर पडला होता आणि एकाच्या डोक्यावरती लागलं होतं। आम्ही तत्काळ दोन्ही जखमींना आमच्या पोलीस गाडीतून हॉस्पिटलाइज केलं। त्यानंतर मी पुन्हा घटनास्थळी आल्यावरती आम्हाला माहिती पडलं की जो प्रत्यक्ष साक्षीदार होता राघव सोदिया, त्याने आम्हाला कळवलं की चेतन चंद्रा जो जखमी आहे त्याने ते दोघे जण संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमारास हॉटेलच्या बाहेर आले होते। त्यावेळी एक किसान हातात दारूची बॉटल घेऊन निघाला होता आणि त्या नाल्यावर थांबला होता। तर त्यांना असं वाटलं की तो दारू पित आहे, म्हणून त्याला हटकलं की तू दारू या ठिकाणी ठेवू नको। तर तो इसम म्हणाला की मी दारू पित नाही, मी खडा होतो। तरी देखील चेतनने आपल्या हातातल्या काठीने
त्याला हटकवले, त्याचा राग त्याला आला, त्याने सांगितले की मी तुला बघून घेतो असे म्हणून तो एकदम निघून गेला. त्यानंतर म्हणजे रात्री 9:15 आसपास तो आपल्या दोन्ही मुलांना आणि मुलांच्या मित्रांना असे 5 जण म्हणून ते आले गाडीवरून आणि त्या रोका कॉफी शॉप मध्ये जाऊन त्यांनी त्या ठिकाणी चेतन जो होता त्याच्या डोक्यामध्ये लाकडी दांड्याने मारलेला आहे आणि अजून एक कार्तिक महतो म्हणून एक मुलगा होता त्याच्या डोक्यावरती मारलेला आहे. सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आणि आम्ही 4 ते 5 संशयितांना ताब्यात घेतला असून पुढील तपास करत आहोत. त्याचा जो घायल आहे चेतन चंद्रकार म्हणून तर तो कॅन्डल नाईट या ठिकाणी शेफ मॅनेजरचं काम करतो आणि जे हे आहे का ताब्यात घेतलेले लोक आहेत पुलिस ने इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है. अवैध हुक्का बार चला रहे ब्रदर्स कैफे पर फिर एक बार सदर पुलिस ने छापा मारा. इस दरमियान कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 27,860 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया. इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदर पुलिस को बुधवार की रात गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रदर्स कैफे में अवैध हुक्का बार चल रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्रदर्स कैफे पर छापा मारा. इस दरमियान पुलिस ने आरोपी चौंटी शालुमान फिलिप्स, मार्शल नेम्स फिलिप्स, पंकज महेंद्र सिंह गोलचा, गुरुदीप सिंह, राजेंद्र सिंह कबोत्रा और मॉरिस मोबिन परेरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दिनांक 4/4/2022 रात्री 23 वाजता पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला माहिती मिळाली की ब्रदर्स कॅफे माउंट रोड सदर आहे आणि या ठिकाणी हुक्का अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालत आहे. त्या ठिकाणी आम्ही स्टाफ आणि 2 पंचांचं रेड घातली असता त्या ठिकाणी आम्हाला एकूण 5 इसम हुक्का पार्लरचा मालक, 2 त्याचे नोकर आणि 2 इसम तिथे हुक्का पेत असताना मिळून आले. तिथे आम्ही झडती घेऊन त्यांचेवाले दुकानाची आणि रेस्टॉरंटची झडती घेतली असता तिथे आम्हाला 7 हुक्का पॉट, काही प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ आणि हुक्काचे साहित्य मिळून आले. असे आम्हाला टोटल तिथे एकूण 27,860 रुपयाचा मुद्देमाल मिळून आला. त्याच्यावर आम्ही कलम 4A 21A कोप्ता ॲक्टप्रमाणे 5 इसमावर कारवाई केलेली आहे आणि त्यांचे साहित्य आम्ही जप्त केलेले आहे. हुक्का पार्लरचा जो मालक आहे जॉन्टी सलमन फिलिप्स, वय 24 वर्ष, राहणार मार्टिन नगर जरीपटका. याच्या आधीसुद्धा आम्ही त्याच्यावर अंदाजे 2 महिने अगोदर हुक्का रेटची कारवाई आम्ही केलेली आहे. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे 27,860 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया. वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स अब 5 मंजिला इमारत में पूरी क्षमता के साथ संचालित होने लगा है. यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज के साथ ही अच्छी सुविधा भी मिल रही है. फिलहाल 27 विभाग कार्यरत है लेकिन अब यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी व सर्जरी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग भी जून जुलाई में शुरू हो जाएगा. यह जानकारी एम्स की संचालक डॉक्टर विभा दत्ता ने बुधवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी. एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से विदर्भ एसोसिएशन फॉर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तीसरी क्षेत्रीय वार्षिक परिषद का आयोजन 8 से 10 अप्रैल तक किया गया. विभाग प्रमुख व आयोजन समिति सचिव डॉक्टर मीना मिश्रा ने बताया कि परिषद की थीम आदमी विरुद्ध माइक्रोबायोसिस है. कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करेंगे. इसमें 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. इस दौरान क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. उद्घाटन डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आईएमए की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैमिला रोड्रिक्स के हाथ होगा. ऑनरेबल डायरेक्टर मैडम, ये इसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है, मैं इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और ये हमारा विदर्भ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है. ये एक बहुत वाइब्रेंट बॉडी है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. तो बेसिकली ये VMM की कॉन्फ्रेंस है, ये 3rd रीजनल माइक्रोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस है. इसके प्रेसिडेंट हमारे साथ में है डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और सेक्रेटरी डॉक्टर श्वेता कावड़कर. फिर हमारे साथ हमारे पास प्रेसिडेंट और इस कॉन्फ्रेंस के जो साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन है वो डॉक्टर यज्ञेश ठाकर, वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है. तो हमेशा ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन की होती थी पर जब बात आई कि हम लोगों ने जब यहाँ पे होस्ट की तो यहाँ पर जैसे एम्स भोपाल से हम लोगों के पास में जब उनसे बात हुई थी, एक इनिशिएटिव आया कि वो एक वर्कशॉप लेना चाहते हैं एनारोबिक इन्फेक्शंस पे, तो वो टीम तो एक हमारा उस पर प्री कॉन्फ्रेंस ये भी प्लान हो गया. फिर हमारे साथ में हमारे डीन एकेडमिक्स मैडम है डॉक्टर मृणाल फाटक मैडम,
तो एक ऐसे बात करते करते ये हुआ कि एक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, क्योंकि कोविड भी स्पेशली बहुत सारा स्ट्रेसफुल रहा है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स और एक सबके लिए, तो मैडम ने एक बहुत अच्छा इसके बारे में एक पहल की, तो हमारा एक सीए भी वो टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइज हो गया। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है, तो इस पे एक सीएमई ऑर्गेनाइज होगी। और ये सब सीएमई की खासियत ये है कि इसमें जितने भी फैकल्टीज बाहर से आ रहे हैं तो दे आर कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, सब जितने भी रिनाउंड नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। बता दें कि एम्स में आधुनिक सुविधाएं कराई गई है। फिलहाल ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वर्तमान में 1200 से 1500 तक ओपीडी हो गई है। नागपुर के साथ ही अब अन्य राज्यों की भी संस्था मरीज आने लगे हैं। कोविड काल में एम्स में 400,000 नमूनों की जांच की गई। यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी व सर्जरी तथा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग भी शुरू होने जा रहे हैं। इससे मरीजों को और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तीनों विभाग शुरू होने के साथ ओपीडी और आईपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वैष्णो देवी चौक पर सहकारी मंच ने धूप से बचाव की होम्योपैथिक दवा का साफ सफाई कर्मचारियों व अन्य नागरिकों को निःशुल्क वितरण किया। दवाई डॉक्टर विनीत कारिया द्वारा उपलब्ध कराई गई। वही ये कार्य मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। शहर में दिन प्रतिदिन गर्मी का असर तेज होने से लोग भी अब धूप से बचाव के लिए उपाय करते नजर आ रहे हैं। दोपहर में धूप के असहनीय होने के चलते अब जहां लोग राहत के लिए पंखों का सहारा ले रहे हैं, वहीं बाजारों में भी दुकानों के आगे तिरपाल सहित कपड़े के शेड लगाकर धूप से बचाव किया जा रहा है। हालांकि शाम ढलने के बाद व अल सुबह जरूर अभी भी हल्की ठंड का असर बना हुआ है। इस बढ़ती गर्मी के कारण शहर में हर किसी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर में गर्मी के कारण कुछ लोगों की जान भी गई है। इसी के तहत वैष्णो देवी चौक पर शकारिया मंच की ओर से सफाई कर्मचारी व अन्य नागरिकों को इस भीषण गर्मी के कारण समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य से धूप के बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर महेंद्र कटारिया, हितेश जोशी, मुकुल केवलिया, मधुसूदन सारडा, अरुण घीमे, मुकेश अग्रवाल आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।